कुबेर खान जी बोल रहे हैं कुछ बालवीर के ऊपर। हाँ तो ये बात तो काफ़ी टाइम से मैं बताना चाहता था हमारे चैनल पे, पता नहीं कब से, जब से मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू किए हैं सुपर हीरोज के रिलेटेड, तब से मेरे ये सवाल जरूर आता है कि आप बालवीर के ऊपर वीडियो बनाओ। मैंने इसका आंसर एक आपको पहले की वीडियो में भी दिया था, लेकिन आज फिर भी आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो बात ऐसी है कि बालवीर मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, और बिना देखे मैं उसके बारे में कैसे आपको बता सकता हूँ। यही कारण है, सिर्फ बालवीर ही नहीं, चाहे आप कॉमिक्स की बात कर लो, चाहे आप जो गोकू का जो पूरा यूनिवर्स है उसकी बात कर लो, ऐसे ही जो बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैंने अभी तक पर्सनली नहीं देखी हैं, और बिना देखे मैं किसी के बारे में कैसे बता सकता हूँ। आपको पता होगा कि पहले जो मैंने जूनियर जी कर्मा के ऊपर वीडियो जो मैं बनाई थी, वो मैंने पूरी सीरीज़ को देखा था, तब मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। यही कारण है कि मैं बालवीर के ऊपर वीडियो अभी तक नहीं बना रहा हूँ। हाँ, इन फ्यूचर अगर मैं बालवीर को देखूंगा तो शायद मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी तो मेरा उसके ऊपर कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप बालवीर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर मुझे थोड़े बहुत एपिसोड तो देखने पड़ेंगे, क्योंकि इतना तो चलता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन सुपर हीरोज़ की मार्केट के बारे में। तो देखो हमारे जो भी भारत के सुपर हीरोज़ हैं उसके बारे में आप सभी को पहले से पता होगा, और वो किस पोजीशन में हैं वो भी आपको पता होगा, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, हम आज इसके ऊपर कुछ बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे के कारण क्या है। तो देखो जो हमारे इंडियन सुपर हीरोज़ हैं वो किसी से कम नहीं है। अगर आप बोलें कि उनमें पावर्स नहीं है, एबिलिटीज़ नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक से एक धाकड़ सुपर हीरोज़ हमारे इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं। लेकिन जब हम सुपर हीरोज़ की एक मूवी देखते हैं तो वो मूवी हमें इतनी पसंद क्यों नहीं आती? तो देखिए इसके पीछे का सबसे पहला कारण है, वो है हमारी ऑडियंस। तो देखो हमारी ऑडियंस यहाँ ऐसी है हमारे इंडिया में, जो कि मैक्सिमम मसालेदार मूवीज़ देखना पसंद करती हैं, और हमारी जो ऑडियंस के बीच ना एक मिथ फैल गया है कि जो भी हमारे भारत में सुपर हीरो बनेगा वो किसी ना किसी के कॉपी ही होगा, और इसको खुद बढ़ा चढ़ा के हम जैसे कुछ यूट्यूबर्स ही हैं जिन्होंने ये बात प्रूव कर दी है, हमारे दिमाग में ये रॉन्ग नंबर घुसा दिया है कि भारत का सुपर हीरो हमेशा कॉपी ही होगा। इसलिए चाहे जितने भी बड़े से बड़े मास्टरपीस हमारे सामने निकल के आ जाएं, चाहे हम उसे भावेश जोशी कह लें, मर्द को दर्द नहीं होता कह लें, या फिर रावण मूवी की बात कर लें जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी, लेकिन उसका कंसेप्ट इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था कि लोगों को वो समझ ही नहीं आई, और जिस कारण से लोगों ने वो देखी ही नहीं। यानी कि दोनों है, अगर यानी कि दोनों साइड से देखा जाए तो हमारे यहाँ से सुपर हीरोज़ को चलने के लिए जो हमारे बेस और ऑडियंस चाहिए, जो उनको देखे, वो वाली ऑडियंस है ही नहीं। यहाँ पे मूवीज चलती हैं मसालेदार वाली, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग यही सोचते हैं। कुछ लोग हैं जो कि ऐसी मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं और वो देखते भी हैं, लेकिन फिर बात यहाँ पे वो आ जाती है जो मैंने आपको पहले बताई कि जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री है वो मूवीज़ को कुछ ऐसे तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है कि हम खुद ही उस मूवी को देख के एक सैड सी फीलिंग के साथ थिएटर से बाहर निकलते हैं। तो ये तो सिचुएशन है हमारी मूवी इंडस्ट्री की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सुपर हीरोज़ किसी से कम नहीं हैं। अगर आपने भावेश जोशी देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि द रियल सुपर हीरो क्या होता है, और हमारे यहाँ इंडियन जो मार्केट है इसमें अगर डायरेक्टर्स और राइटर्स हैं उनको अगर पूरी पावर दी जाए तो वो कितने अमेजिंग तरीके से एक सुपर हीरो मूवी बना सकते हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं, हम थिएटर में जाते हैं मूवी ये सोच के कि हमें मर्द को दर्द नहीं होता या भावेश जोशी जैसी मास्टरपीस देखने को मिलेंगी, लेकिन हमें क्या मिलता है? ऑफलाइन जट। देखो हर मूवी में कोई ना कोई फॉल्ट रहता ही है। अगर आप कहें कि हर एक मूवी परफेक्ट है तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हर मूवी में कुछ ना कुछ कमियाँ होती है, लेकिन आप मूवी को इतना भी कमज़ोर ना कर दें कि सामने वाला उसमें कमी भी ना निकाल पाए, क्योंकि पूरी की पूरी मूवी ही बेकार हो। सबसे बड़ा जो कॉपी का टैग है उससे बचना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है, चाहे आप किसी भी सुपर हीरो को ले। अभी जो भावेश जोशी आई थी, लोगों ने पीछे ये बोलना शुरू कर दिया था कि ये तो डेडपूल की कॉपी है। मतलब सीरियसली आपको लगता है कि डेडपूल उसकी कॉपी है? कुछ भी। तो ये तो कुछ छोटी सी डिस्कशन थी हमारे सुपर हीरो मार्केट को लेके कि आखिर हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है और लोग सुपर हीरोज की मूवीज़ को क्यों पसंद नहीं कर रहे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो हनुमान मूवी आने वाली है वो एक बहुत ही ज़्यादा फंटास्टिक मूवी होने वाली है, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करें, और उसके रिलेटेड आपका और कोई भी सवाल हो, इस वीडियो से कोई रिलेटेड सवाल हो, कोई सुपर हीरोज से रिलेटेड सवाल हो तो उसे कमेंट करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।